अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ निहारी रेसिपी। तो दिल्ली की फेमस निहारी हम बनाने वाले हैं आज, और बहुत ही टेस्टी डिश है ये, सबको ज़्यादातर पसंद होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी निहारी एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुई है, और देखने में ही ये बहुत टेस्टी लग रही है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ये मेरा बौंग का गोश है, मैंने यहाँ पर 1.25 किलो बौंग का गोश लिया है, और ये मेरा बड़े का बौंग का गोश है। आप यहाँ पर किसी भी गोश से नहारी बना सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा बेस्ट नहारी के लिए बौंग का गोश ही होता है। बाकी आप किसी भी गोश से नहारी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोश को अच्छे से वॉश कर लिया है, और यहाँ पर इसके छोटे छोटे पीसेस ही लिए हैं मैंने, ज़्यादा बड़े पीसेस यहाँ पर नहीं लिए हैं, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से जल्दी से टेंडर हो जाए। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज की प्याज ली हैं, जिनको फाइन काट लिया है। नहारी यहाँ पर मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर में 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है, तो ये मेरा मस्टर्ड ऑयल है। आप यहाँ पर इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, या ऊपर से भी इसमें देसी घी डाल सकते हैं। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, जो हमने प्याज फाइन काटी है वो ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पर प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन हम यहाँ पर प्याज को नहीं करेंगे, सिर्फ लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज यहाँ पर हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो इसी तरीके की प्याज हमें यहाँ पर चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन हम नहीं करेंगे। यहाँ पर गोश्त ऐड कर देंगे। प्याज के साथ गोश्त को कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ प्याज के साथ गोश्त को भी फ्राई कर लिया है। अब यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। अब यहाँ ऐड करेंगे सूखे मसाले, तो जिसमें मैंने 1.5 चम्मच देगी मिर्च पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा सा आएगा नहारी का, और 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और 1 चम्मच यहाँ पर नमक लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ हल्दी पाउडर लिया है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो यहाँ पर मैंने रेगुलर मिर्च यूज़ नहीं की है, ऊपर से हमारी हरी मिर्च भी डलेंगी इसमें, इसलिए आप मिर्च देख करके डालें। ये है मेरा 3 चम्मच नहारी मसाला, ये भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर नहारी मसाले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने यहाँ कम ही ऐड किया है। मैंने 1.25 किलो गोश्त में 3 चम्मच नहारी मसाला ऐड किया है। अब सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इस पानी ऐड करके हम इसको गला लेंगे, यानी गोश्त को अच्छे से टेंडर कर लेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो और ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर कम ग्रेवी चाहिए तो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मैंने इसमें 4 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब इसका ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से टेंडर कर लेंगे गोश्त को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3 से 4 सीटी गोश्त में लगा ली हैं, और गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इसमें हम आलन लगाएंगे। तो आलन के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून बेसन लिया है, जिसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं है, तो इसी तरीके का हल्का रोस्ट हमें यहाँ पर बेसन को करना है। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है, तो तकरीबन यहाँ पर 1 ग्लास पानी हम इसमें ऐड करेंगे। आप आलन के लिए यहाँ पर आटा भी ले सकते हैं रोस्ट करके। बेसन को हम यहाँ पर छान कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, थोड़ी देर में ही ये गाढ़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा गोश्त एकदम गाढ़ा हो चुका है, बस इतना ही हमें इसे रखना है। अगर आपको लगे कि आपका गोश्त गाढ़ा नहीं हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा और बेसन ऐड कर सकते हैं घोल के, पर देखकर ज़्यादा ना करें, एक या 1.5 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा एकदम सही गाढ़ा हो चुका है, तो मैं इतना ही रखूँगी इसे। आप इसका रोगन भी ऊपर से उतार सकते हैं, पर मैंने नहीं उतारा है। इसमें ऊपर देसी घी ऐड करूंगी। 5 मिनट के लिए खदका लेंगे अपनी निहारी को। 5 मिनट यहाँ पर निहारी को पकते हुए हो चुके हैं। अब 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे।
यहाँ नहारी को डेकोरेट करने के लिए मैंने हरा धनिया, जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, मोटी वाली हरी मिर्च है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, और नींबू के पीसेस काट लिए हैं। इससे हम अपनी नहारी को ऊपर से डेकोरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नहारी हमारी तैयार है। मैंने इसमें ऊपर से देसी घी ऐड किया है। अगर आप रोगन ऊपर से उतार रहे हैं, रोगन भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, बट मेरी नहारी का ऐसे ही कलर बहुत अच्छा आया है। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।